सो गाइस सब्सक्राइब करें वेगस फैशन चैनल में, जहां आपको मिलेगा मेंस फैशन, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल के ऊपर ढेर सारा टिप्स। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन एज इट विल गिव यू इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। क्या आप अपने आप को राइडर मानते हो? क्या आपको अच्छा लगता है नए नए जगह जाना, नए नए रास्ते एक्सप्लोर करना, टू व्हील्स पे एडवेंचर सीख करना? सभी को लगता है ना, मुझे भी लगता है। तो हम लोग अपने आप को राइडर्स बोलते हैं। संडे की सुबह जब पूरा कंट्री सोता है, हम लोग निकलते हैं राइडिंग करने के लिए। हवा की तरह हम लोग राइड करते हैं, एक अलग ही मज़ा है, इज़न्ट इट? लेकिन बहुत सारे ऐसे बाइकर्स हैं जो अपने आप को बाइकर्स भी बोलते हैं, लेकिन रूल्स या बेसिक जो चीज़ है उसको फॉलो नहीं करते। बेसिक चीज़ें एज इन, जब हम लोग अपने आप को राइडर बोलते हैं, एज इन सबके ही घर पे फैमिली होता है, सभी कोई बहुत टेंशन करता है। आई रिमेंबर एंड आई नो कि मैं जब घर से निकलता हूँ, मेरे मॉम डैड के हालत कैसे होते हैं। मैं उनके नींद उड़ा कर ही घर से निकलता हूँ, but still they don't mind because they value my passion. So मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि मैं sensibly ride करूँ। और sensibly ride करना अलग बात है, लेकिन हाईवे पे चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम चाहे जितना ही sensibly ride करें, लेकिन precaution लेना पड़ता है। तो precaution के लिए हम riding gears पहनते हैं। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है सभी से कि गाइज, अगर आप अपने आप को राइडर बोलते हो, अगर आप राइड करते हो, तो फिर राइडिंग गियर्स पहनो। अगर आपके पास कोई ऐसा बाइक है जो 0 to 100 बहुत इजीली पिक कर लेता है, दैट मीन्स वो एक फास्ट बाइक है। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको राइडिंग गियर पहनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि एक चीज़ है कि भगवान जब चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग के पास दिमाग है। सो इतना तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम सेंसिबली चीज़ें करें और जितना हो सके प्रोटेक्शन लें, राइट? सो आज के वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूँ कि इंडिया में बहुत सारे गियर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल हैं। मैं कौन से गियर्स पहनता हूँ पर्सनली, मेरे कौन से गियर्स के ब्रांड फेवरेट हैं, और क्या आपको ये लेना सही रहेगा कि नहीं। तो गाइस शुरू करते हैं हेलमेट से, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्रोटेक्शन है, आपको ऑलवेज पहनना ही चाहिए। मेरा तो अभी ऐसा आदत बन चुका है कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं हेलमेट पहनता हूँ। अगर मैं हेलमेट ना पहनूँ तो मुझे तकलीफ होता है, और पर्टिकुलरली अगर इस टाइप का बाइक है जो कि मेरा एक डेटोना 675 है, तो मैंने तो फिलहाल एक MT लिया है, करीबन 7000 रुपीज़ के आसपास मेरा आया उसका रेंज। लेकिन सून आई एम गोइंग टू बाई अराई और AGV, बिकॉज इससे भी ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन फ़िलहाल 10,000 के अंदर आप अगर हेलमेट लेते हो तो फिर MT, AJC आप कुछ भी ले सकते हो। ये दोनों में से अच्छे हेलमेट्स हैं वो, एंड एयर फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्टाइलिंग भी है। MT के तो बहुत सारे डिज़ाइन है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस है आपके पास पिक करने के लिए, और प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। बस दो चीज़ों का ख्याल रखना गाइस, पीछे जो लेवल होता है, मार्किंग होता है, ISI मार्क जो एकदम सस्ते वाले हेलमेट्स में आते हैं, वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे हेलमेट लेते हो तो मेक श्योर कि पीछे उसके ECE और DOT ये दोनों मार्क रहे। सो गाइस सेकंड आते हैं हम लोग जैकेट के ऊपर। तो गाइस जैकेट तो आपके पास मतलब बोलो ही मत, इतने ज़्यादा ऑप्शन है मार्केट में, ब्रांड में। लेकिन मैं अगर अल्पाइनस्टार छोड़ दूँ, डायनेस ही छोड़ दूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज में है, एंड शायद मैं वो भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वो लेने में। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे पास बजट इशू था कि लिमिटेड बजट में मुझे जैकेट लेना था, तो मैंने 10,000 अप्रॉक्सीमेटली रेंज पकड़ लिया था कि मुझे उसी रेंज में जैकेट लेना है। सो राइनॉक्स थे, ज़ियस थे, मैं किसी ब्रांड को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और ना ही बीबीजी ने मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप मिला है बीबीजी से या कुछ भी बेनिफिट। लेकिन बीबीजी के जो मतलब बाइकिंग ब्रदरहुड के जो गियर्स है, फॉर एग्जांपल दिस जैकेट, आई फील राइनॉक्स या ज़्यूस ये सब में से थोड़ा सुपीरियर है। मैं जो वर्जन यूज़ करता हूँ इसका नाम है स्पिटी। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी है बैक, एल्बो, शोल्डर एंड ऑल। चेस्ट आई हैव टू बाई इट सेपरेटली। एंड ये ऑल वेदर जैकेट है, इसके अंदर रेन लाइनर है, विंटर लाइनर है। फिलहाल तो मैं अभी उनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यूरिंग विंटर सीजन मैं दोनों लाइनर लगा के यूज़ करूँगा। सो ये ऑल वेदर है, आपको सफोकेशन भी नहीं होगा उतना अगर आप लाइनर खोल लोगे तो। गाइज नेक्स्ट है ग्लव्स। ग्लव्स भी मैं ये बाइकिंग ब्रदरहुड का ही पहनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कमाल के ग्लव्स बनाते हैं। DSG भी एक बहुत प्यारा ब्रांड है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक दोस्त यूज़ करता है तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पर्टिकुलर जो ग्लव है BBG का, ये है फुल गॉन्टलेट BBG बाइकिंग ब्रदरहुड ग्लव। तो मैंने इसको क्यों लिया, पर्टिकुलरली इसके प्रोटेक्शन की वजह से। एंड ये एकदम ट्रैक रेडी ग्लव्स है, इसमें आप देख सकते हो काफ़ी जगह पे प्रोटेक्शन है, एयर फ्लो के लिए भी जगह है, एंड इसके लेदर क्वालिटी तो कमाल के है। एंड इस रेंज में तो ये बस मस्त है। इसका प्राइसिंग मुझे अराउंड 3,800 के आसपास पड़ा। एंड आप देख सकते हो कि एकदम रिस्ट तक इसके प्रोटेक्शन आते हैं। सो ये आपको इस रेंज में और कहीं नहीं मिलेगा। मल्टी स्ट्रैप है ताकि ये ईजिली ना वायर ऑफ हो जाए हाथ से। देख सकते हो आपकी पाम में भी डबल कोटिंग है लेदर के। एंड एक बात है गाइज, अगर आप टूरिंग करना चाहते हो ज़्यादा, लेकिन उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा इस ग्लव पे, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर रेस ट्रैक एंड ये प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। लेकिन और एक चीज़ है, इसको आप पहन के मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो, फिंगर टच और टच टाइप के साथ ये वर्क करता है ईजिली। एंड और एक बात है कि अगर आपको बीच में से अगर कुछ मनी निकलना है तो फिर इसको आपको खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इतना सारा स्ट्रैप है। लेकिन इसका और एक वर्जन है जो है सेमी गॉन्टलेट, आप वो ले सकते हो, वो थोड़ा बहुत टूरिंग के लिए भी है एंड प्रोटेक्शन भी उसका हाई है। तो ये थे मेरे ग्लव्स के सिलेक्शन, जो कि है बीबीजी के। जैकेट हो गए बीबीजी, ग्लव्स हो गए बीबीजी, एंड माय शूज़ आर नो एक्सेप्शन टू। तो मेरे शूज़ भी है बीबीजी के, जो है रेसर बूट्स। गाइज रेसर बूट्स नाम पे मत जाना, दिखने में भी ये रेस बूट्स की तरह ही है एंड इसके काम भी बहुत ही ज़्यादा रेस ओरिएंटेड ही है। इसका प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। शूज़ मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन बीबीजे के पर्टिकुलरली इस बूट से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि ये प्रोटेक्शन आपको रेस स्पेक्ट देता है, लेकिन कम्फर्ट इसका बहुत ही ज़्यादा है। मुंबई का निखिल तक यही बूट पहनता है। एंड सेकेंडली ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इसको पहन के लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हो, इंक्लूडिंग सेफ्टी। सो ये थे मेरे कुछ एडवाइसेस, मेरे चॉइसेस, मेरे खुद के राइडिंग गियर्स जो मैं पहनता हूँ ऑलवेज व्हेन आई गो फॉर अ राइड। एंड आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनमें से कुछ भी अगर आपको चाहिए, ख़रीदना है आपको, तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप मेरे लिंक से ख़रीद सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आप राइडिंग करते हो तो राइडिंग गियर्स को ना मत करो, राइडिंग गियर्स पहनो एंड सेफली राइड करो। एंड घर पहुंचते वक्त आपको आपके मॉम डैड के फेस पर एक कमाल की स्माइल मिलेगी। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही था। मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, मैं एक सोशल अवेयरनेस एंड मैसेज भी सबको देना चाहता हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा बना है तो फिर इसको आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हो, जितना लोगों देखें उतना ही अच्छा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कम्प्लीटली स्टाइलिंग एज अ बाइकर, आपको क्या क्या स्टाइल हैक्स आने चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही था गाइज, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में गाइज। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, कीप इट क्लीन।